बहुत ज़्यादा मायूसी है लोगों के अंदर। लोग सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, बहुत महंगाई है, बहुत शदीद सूरत हाल ख़राब है। अल्लाह करे कोई बेहतरी हो कि आप अपने आप को डिफॉल्ट करने के बाद एक फेल स्टेज की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा एक संगीन किस्म का खदशा है कि आप जा रहे हैं फेल स्टेट होने की तरफ। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। आप डिफॉल्ट कर जाएंगे इसलिए कि आपको वो कर्जा नहीं देगा, और कर्जे के लिए जो आपको देखना पड़ेगा IMF की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ, उनकी तरफ जाकर कर्जे के लिए देखना पड़ेगा। जब वो अपनी शरायत पर देंगे, शरायत ऐसी होंगी जो आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जब आप पूरा करेंगे तो आपके ऊपर कर्जों का मजीद बोझ पड़ेगा। फिर आप रीपे नहीं कर सकेंगे। जब रीपे नहीं कर सकेंगे तो फिर आप डिजास्टर की तरफ जाएंगे। डिजास्टर की तरफ जाएंगे तो आपको जो है वो दिवालिया करा दे दिया जाएगा। दिवालिया करा दिया जाएगा तो फिर आप पर सेंक्शन लगा दी जाएंगी, फिर आप पर पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। ना आप इम्पोर्ट कर सकेंगे, ना आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आपकी मैशत बैठ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके लिए नई फरमाइशें आएंगी। देखिए फलां 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 चीज़ जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी फलां चीज़ जो आपकी सलाहियत है, उससे दस्तबरदार हो जाओ, हाथ उठा लो। फिर पड़ोसी मुल्क आपके जो है दुश्मन हैं, दोस्त हैं, कैसे हैं, वो आकर खड़े हो जाएंगे, ना हटाएं 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 हटाएं। ये गैर जिम्मेदार मुल्क है जो डिफॉल्ट कर चुका है, हटाएं इससे सब चीज़ें, इसके इससे ले लें, छीन लें सब कुछ। अब फिर आपसे सब कुछ छीना जाएगा, फिर आप कहाँ खड़े होंगे, अंधेरे में, एक खतरनाक सूरत हाल में। इस आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ना आपके साथ कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। आप तो वैसे ही इशारे के इंतज़ार में रहते हैं कि जनाब हमें इशारा आए तो हम ये काम करेंगे। ईरान के साथ हमने गैस पाइपलाइन बिछाई थी, मेरे सामने कहा था और सवाल किया था, मैंने बात की थी, इनके काबीना का इजलास हुआ था जनाब नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने पूछा था शाहिद खाकान अब्बासी वजीर पेट्रोलियम से कि जनाब हम क्या ये सूरत हाल। उन्होंने जी ईरान पर तो पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, हम ईरान के साथ ये तो डील नहीं पूरी कर सकते हैं, ये हमारा मसाइल। तो हमारे लोग तो खुद इंतज़ार में रहते हैं कि सैंक्शंस आएँ और हम आराम करके बैठ जाएँ पड़ोसियों के साथ हालात खर के। यानी चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर $20 अरब की बायलेटरल ट्रेड हो रही है, और हमने जो $500 भी नहीं करते, हमारी जो है वो इतनी भी नहीं है कि हम कोई 5 करोड़ की भी हम उनके साथ बैठकर जो है 50 करोड़ की भी हम करते हो, ऐसा भी नहीं है। हमारी दो तरफा ट्रेड जो है चीन के साथ भी, हमारी ईरान के साथ ऐसी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ऐसी नहीं है, इंडिया के साथ ऐसी नहीं है, हमारी तुर्की के साथ ऐसी नहीं है, हमारे जो बड़े बड़े अजीज तरीन दिल से जान से जिगर से जो प्यारे मुल्क हैं वो उनके साथ भी हमारी इतनी ट्रेड नहीं है जो इतनी इंडिया की है। इंडिया की ट्रेड का आधा भी नहीं है। हमने पाकिस्तान को यूं रखा हुआ है कि क्या करना है भाई, ये हम इस मुल्क को रख कर बैठे हुए हैं, कोई है यहाँ पर ग्राहक? तो इस तरह की सूरत हाल में तो आप मुल्क नहीं चला सकते। ये मुल्क हमारा मुल्क है, इस सरजमीन के लोग हम हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं। क्या हुकूमतें जो है वो डिक्टेशन लेकर कानून साजी करेंगी? और इदारों को पहले क्या किया था आपने, ये जो अथॉरिटीज बनाई है वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो ओग्रावा वाला बोलता है कि जी हम पेट्रोल की दुनिया में घट रही होती है, ओग्रा वाला कहता है कि हम बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया नेपरा वाला, वो अपने तरह करता है। फिर आपका आ गया वो जो बिजली के बिल बढ़ाता है, जो फिर गैस के बिल बढ़ाने वाले आ जाते हैं आपके रोजाना, वहां से फरमाइश आती है। ये इदारे काम करते हैं आलमी मालियाती इदारों के मातहत होकर, और आपको जो है चूना लगाते रहते हैं। सिर्फ हुक्मरान खुश रहते हैं कि हुक्मरानों को इजाजत होती है, लूट मार करो, ये पाकिस्तान इतना बड़ा।